मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सुबह के 6 बज रहे हैं फ्रेंड्स। और देखिए बाहर का व्यू, मैं आपको यहाँ सीढ़ी से पीछे से दिखा रही हूँ, बहुत दूर खड़ी हूँ। और ये देखिए कितना मतलब ब्लैक हो रखा है, और मतलब 6 बजे कितना चांद आ जाता है आती है रोज। और इस वक्त देखिए कितना काला बदल, बारिश, देखिए छत पूरी गीली हो रही है, बिजली चमक रही है, और हमें बहुत आनंद आ रहा है। देखिए लोग कह रहे थे अभी 15-20 दिन गर्मी इतनी दबा के पड़ेगी फ्रेंड्स, और कि मतलब इतनी भीषण गर्मी पड़ने वाली है कि लोगों की हालत बढ़ी। लेकिन हमने कहा था कि जहाँ महाकाल की कृपा हुई ना, वहाँ बारिश जरूर होगी। और देखिए कितना प्यारा व्यू, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, कितना सुंदर नज़ारा है। देखो कितना बादशाह दिखा हुआ, कितना सुंदर नज़ारा। देखिए पेड़ पौधे सबके हिल रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए समझा रहे हैं अंशु के लिए दवाई ले रही है सिविल लाइन। मैंने आपको बताया था मीना देवी डिस्पेंसरी जा रही है, पहली बुआ के यहाँ पे रहेगी कितने देर, पूरा 1 वीक रहेगी। उसके बाद इसके पापा या मैं तो जाके ले आएंगे, और अभी हम जा रहे हैं ऑटो में। तो फ्रेंड्स हम आपको आज का बाहर का व्यू दिखाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज का व्यू बहुत अच्छा है। आज तो कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी हम दवाई लेके देखते हैं, अंशु को बाहर कहीं घुमा के लेके आएंगे वहीं से। तो दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का व्यू आज। ये है इलेक्ट्रिसिटी बस, इलेक्ट्रिक बस जो दिल्ली में अभी न्यू चली है, ब्लू कलर की, पोल्यूशन जिससे पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन बहुत कम, पोल्यूशन नहीं होता इससे, और बसों से पोल्यूशन होता है इससे नहीं होता। ये देखिए बारिश आ रही है, धीमी धीमी आपको दिख ही रहा होगा फ्रेंड्स, बारिश आ रही है देखिए फ्रेंड्स। और ट्रैफिक भी जाम है बारिश करके थोड़ा सा, लेकिन कुछ नहीं होता, पहुँच जाएंगे, थोड़ा लेट पहुँचेंगे, डिस्पेंसरी 5 बजे तक खुली है। ये भगवान फ्रेंड्स, थोड़ी सी बारिश में दिल्ली डूब चुकी है, कितना पानी है देखिए फ्रेंड्स, देखिए बारिश तेज हुई है, वैसे सभी ये कह रहे हैं बहुत बारिश हुई है, लेकिन दिल्ली तो डूबी जाती है थोड़ी देर में। फ्रेंड्स ये मेजेंटा लाइन का काम चल रहा है यहाँ पे, ये मेट्रो जाएगी, मेजेंटा लाइन है जो मुंडरिका उत्तम नगर, ये मेजेंटा लाइन जाएगी मुंडरिका। फ्रेंड्स ये हमारे भारत का झंडा तिरंगा, हमारे भारत की शान पहचान और हमारे देश की जान, ये है भारत का नेशनल फ्लैग, हमारा देश का प्रतीक, इतना सुंदर लग रहा है। ये पूरे दिल्ली में लग चुकी है जगह जगह लेक, और यहाँ पे बोटिंग करते हैं शाम के टाइम, लोग आते हैं बोटिंग करने। ये कितना ग्रीन ग्रीन व्यू, आज का व्यू फ्रेंड बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ अगर आप दिल्ली में हो और आपके यहाँ बारिश हो रही है, तो आप भी लोग जाओ घूमने, बहुत मज़ा आ रहा है आज बाहर का। कितना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, देखिए ग्रीन ग्रीन हो रही है सारी दिल्ली, और पानी भी हो रहा है दिल्ली में बहुत ठंडे, देखिए वहाँ तक। ये देखिए एक नेशनल फ्लैग और हमारे रास्ते के भी देखिए एक नेशनल फ्लैग, और ये देखिए मैंने कहा ना पूरी दिल्ली में लग चुकी है नेशनल फ्लैग, नहीं घर की नहीं। तो देखिए एक नेशनल फ्लैग और दिल्ली में आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए। और ये मेट्रो आ रही है पिंक लाइन जो दिल्ली कैंट से आती थी, सीधा बुराड़ी स्टेशन पे जुड़ रही है, शेरी बुराड़ी स्टेशन गेरा। आप हमारी सिस्टर को बहुत आसानी हो जाएगी आने जाने में। ये देखिए नेशनल फ्लैग, आज मैं आपको दिल्ली के जितने भी नेशनल फ्लैग है जरूर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स जहाँ मंशू को दिखाने आए हैं वो ये है मीना देवी चैरिटेबल, और यहाँ पे पर्ची बनती है और अंदर डॉक्टर्स बैठते हैं, अभी हम दिखाएंगे। देखिए ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा हरियाली है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पेड़ भी हैं कितने हरे भरे, देखिए। और आम भी, आम तो आम भी दिखाऊँ, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ आम के पेड़ पे आंबियाँ भी लटकी हैं, ये देखिए ये आम भी, कितने आम का मौसम चल रहा है, आंबियाँ लटकी हैं कितने सुंदर। और ये है केले का पेड़ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या नज़ारा है हॉस्पिटल का भी। यहाँ पे पैरट्स देखिए कितने प्यारे, उड़िया 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 कहाँ चला गया है, ये देखिए दोनों आ गया है दोबारा, ये एक और आ गया, ये देखिए क्या प्यारे लग रहे हैं, रंग बिरंगे चोच है लाल, वो इधर देख रहे हैं कि मतलब कि हमें क्या कर रहे हैं, हम तो इनकी वीडियो बना रहे हैं बस, कुछ खा रहे हैं फ्रेंड दाना, दाना खा रहे हैं बाजरा, देखिए कितना ये वाला कितना बुरा है, वो एक और आ गया, एक पूरा पूरा झूले पे फ्रेंड्स, एक और गया, ये उड़ते हुए ना रंग बिरंगे लगते हैं, अरे उसे बुला रहा है, डर भी है, देखिए कितना प्यारा नजारा है,
पूरा तोता परी, कितना बड़ा पक चुका है, बिल्कुल लंबी डंडी पे लटका हुआ आपको दिख रहा होगा। ये देखिए इस मीना देवी चैरिटेबल डिस्पेंसरी में कितने सारे आम के पेड़ हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये है जहाँ मीना देवी डिस्पेंसरी आए, वहीं पे बेलपत्र का पौधा लगा है, पेड़ है पूरा, ये देखिए जड़ से। तो मेरे गौरी शंकर भगवान की एक घेरा और एक बोरा, भाई कितनी सुंदर बेलपत्री है भोले बाबा, सही में आप तो यहाँ पे विराजमान हो पूरे। बेटा ऐसे नहीं आराम से तोड़ना, कितनी सुंदर है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। बाबा की ये हम कल मंदिर जाएंगे चढ़ाएंगे, तो हमने बेलपत्र तोड़ लिया, कितनी सुंदर सुंदर है देखिए। हम शेरे के अब हम मीना देवी से जा रहे हैं, देखिए अब हम इनको बाय करते हैं। बाय, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, प्लीज आया करो जब भी कोई बीमार हुआ करे। तो अब ये रही बुआ और ये रही मम्मी अंशु नोनू। तो हम घर जाने के बाद आपको मीना देवी चैरी क्लिनिक पे आना है, खाना है तो ये है मेट्रो स्टेशन सिविल लाइन, तो आप इधर से आ जाए और इधर अपना वो चेकअप करवा लीजिए। अब हम मिलते हैं सीधा बुआ के घर। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ से बच्चों के लिए कचौड़ी ले रहे हैं, बिट्टू कचौड़ी वाला और सिविल लाइन मीना देवी के साथ में, और बहुत टेस्टी कचौड़ी बनाते हैं। अगर आप लोगों को कभी खानी हो तो अगर सिविल लाइन की तरफ आइएगा तो प्लीज़ इनकी कचौड़ी ज़रूर खा के जाइएगा। मीना देवी डिस्पेंसरी के साथ में ही है, सामने बाहर लगाते हैं। तो हम भी बनवा रहे हैं घर के लिए, बच्चों के लिए मैं कुछ लेके भी नहीं आई थी आज, तो इसी हमारे बच्चों को कचौड़ी खिलाएंगे। भैया प्राइस कितना है? 35 रुपये पत्ता है, लेकिन बहुत टेस्टी होती है फ्रेंड्स। देखिए भैया ने बहुत ही अच्छी कचौड़ी, अब हम घर जाके खाएंगे, तो थैंक यू भैया। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ बुआ के घर जा रहे थे पीहू की, क्योंकि उस डिस्पेंसरी से बुआ का घर पास में ही है, तो हम पैदल जा रहे हैं। और हमने देखा रास्ते में कितना बड़ा पेड़, जो आज सुबह मॉर्निंग में दिल्ली में तूफान आया है बारिश और आंधी वगैरह, उससे इतना बड़ा पेड़ गिर गया, देखना कितना बड़ा, पूरा रोड पे बिछा हुआ है। देखिए रोड गाड़ियाँ भी हट हट के चल रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना बड़ा पेड़, तारे हैं उधर ही रहो। ये देखिए फ्रेंड पूरा जड़ से पेड़ टूट चुका है कितना। तो फ्रेंड्स हम आ गए दीदी के घर, देखिए इनकी ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी, कितने अच्छे प्लांट्स हैं। ये देखिए हमारे यहाँ से तो बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, देखिए प्रोटोकला और ये क्रिसमस गोल्डन मनी प्लांट, देखिए दीदी के बहुत अच्छा लगता है मुझे दीदी की। ये देखिए कड़ी पत्ता कितना बड़ा हो रहा है, ये देखिए, और यहाँ पे तुलसी माता एक, और ये सहरा बेल सहरे की तरह लटकती है, ये जैक प्लांट, ये कौन सा है गुड़हल, देखना कितना ग्रीन हो रहा है, यहाँ बारिश और धूप दोनों चाहिए होती हैं, कितने अच्छे प्लांट्स हो रहे हैं। और ये हाँ दीदी के गेट की एंट्री, नमस्ते। ये देखिए ये दीदी की सेंटर वाली बेटी, और ये स्टेट वाली सबसे बड़ी, और ये सबसे छोटा मेरे तो बिल्ला बॉय, और ये जीजा जी, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स हम कचौड़ी लेके आए थे, हमने दिखाया था ना, ये कचौड़ी बहुत टेस्टी होती है। मैंने आपको कहा जो दिल्ली में रहते हैं सिविल लाइन आना, फतेह की कचौड़ी बिट्टू हमने जिससे बनवाई है, वैसे वो बिट्टू कचौड़ी वाला है, लेकिन फतेह की कचौड़ी फेमस है, लेकिन है बिल्कुल सेम उसी की जैसी टेस्ट भी। देखो सारे बच्चे खा रहे हैं, दीदी भी खा रही है, कैसे लगी बेटा? परी आप अंशु नोनू कैसी लगी बेटा? अच्छी भैया, बहुत अच्छी। ऑफिस जाती है लेकिन आज बारिश के कारण इनकी छुट्टी हो गई। हेलो करो फ्रेंड्स को। हाँ ये परी की बड़ी वाली बहन, आज परी इसको कह रही थी मोती लेके आना है तो खींच के, और मुझे कह रही थी परी की अपनी तो मेरी तरफ से परी नोनू के दो थप्पड़ भी मारना। फ्रेंड्स ये थोड़ा खाने में वो है, खाती नहीं है, तो आप इसे कमेंट में देना बोलना कि खाया करे, खाती नहीं है खाना बिल्कुल, देखो कितनी कमजोर हो रही है, एक ये और एक ये कमजोर की मूर्त, मोटी कमजोर, देखो खाना चाहिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स,
और हमने आप दिखाना भी भूल गया, हमने खाना बनाया। आपको पता है आज हम बुआ के घर आए हुए थे, पीहू की पहले डिस्पेंसरी गए थे उसके बाद बुआ के घर आए, तो उसके और अब हम जा रहे हैं सीधा बुआ के घर से। इंडिया गेट का प्लान बन गया, बच्चे कहने लगे कि मम्मी हम इंडिया गेट घुमा के लाओ, तो बुआ कह रही चलो हम भी चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मेट्रो में इंडिया गेट। खाना वाना हमने अपने अपने घर से बनाया है, बाहर से नहीं लेके गए क्योंकि बाहर का खाना बच्चों को सबको मना है, सबकी दवाइयाँ चल रही हैं अभी, तो इसी हमारे बच्चों को थोड़ा सा घुमाने लेके जा रहे हैं इंडिया गेट। तो फ्रेंड्स चलिए हमारे साथ चलते हैं इंडिया गेट। तो देखिए फ्रेंड्स मेट्रो आ गया, मेट्रो आ आराम से। देखिए बुआ भी बैठ गई अभी, हेलो आनंद सुबह पास बैठा। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इंडिया गेट से, मेट्रो में आए हैं, तो इंडिया गेट वाले स्टेशन पे उतर चुके हैं मेट्रो में सेंटर सेक्रेट। और देखिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इंडिया गेट। पीहू हिमानी दिव्या हेलो करो फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स देखिए इंडिया गेट पहुंच चुके हैं हम, और देखिए हम कितना अच्छा है सुंदर नजारा, आपको जगह जगह खाने का भी मिलेगा। ये भुट्टे वाले अंकल हैं, हमारा एक पोपट तो जरूर हुआ है आज कि हम घर से ना बेडशीट ला पाए चादर बिछाने वाली, ना ही हम चटाई लेके आ पाए, लेकिन हम जहाँ बैठे वहाँ बिल्कुल सूखी सूखी घास है। देखिए सामने का व्यू, राष्ट्रपति भवन, लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही है। देखिए फ्रेंड्स वहीं से हम चलते हुए यहाँ तक आए इंडिया गेट के पास, वो है सामने राष्ट्रपति भवन। फ्रेंड्स हम यहाँ बैठे हैं, कैसा लग रहा है बच्चों इंडिया गेट आके, कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसे लगा हर्ष? मम्मी मुझे, नोनू मुझे। फ्रेंड्स पीहू ने अपनी शरारतें करनी शुरू कर दी है, वो हर जगह आके एंजॉय करती है। लेकिन देखिए हाँ गाड़ी वाले अंकल से तो अंशु जिद कर गया कि मुझे गाड़ी पे झूलना है। अंकल हेलो करो, अरे बस बस उधर ही ले लो। देखिए फ्रेंड्स कैसे झूल रहे हैं, मज़े ले रहा है। जब हम घाट शाम बैठे तो उधर भी गाड़ी थी, तो उधर तो ब्रेक मार रहा था बार बार। अंशु ब्रेक नहीं मारना, यही वाली गाड़ी लेगा बड़े होके, हैं इधर देख, ये वाली गाड़ी लेगा है? देखिए फ्रेंड्स लास्ट राउंड था, बस इसलिए हुआ कि कह रहा जिद कर रहा कि मुझे इधर झूलना है, तो मैंने कहा झूलो। हम घूमे थे तो यहाँ पे एक अंकल थे, वो नाच रहे थे, तो देखिए मतलब डांस कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। फ्रेंड्स कितना टैलेंट है देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स इंडिया गेट पे हम आ चुके थे, आपको दिखाया सारा व्यू, सारे खाना खाते हुए दीदी हिमानी और नोनू। बच्चों खाना कैसा बना है? खाना सारे खाना खा रहे हैं इंडिया गेट पे, और मैं भी हूँ यहीं पे। देखिए फ्रेंड्स एक भैया थे वो स्टैचू हो रहे थे, तो फोटो हम देख वीडियो बना रहे हैं इनकी। हाँ हिमानी आओ, इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं हिमानी पीहू दिव्या। स्टैचूज हैं ये, कल के ब्लॉग में डाल देंगे ना, आज कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स चार्ली चैंपियन मिले हैं हमें, तो देखिए फ्रेंड्स चार्ली चैंपियन के साथ लोग फोटोज लेते हुए। देखिए कल के ब्लॉग में आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इंडिया गेट के बिल्कुल नजदीक आते हुए हमने फोटोज लिए हैं, तो देखिए फ्रेंड्स आप इंडिया गेट का नज़ारा नाइट का, रात के 9:30 का, और कितना अच्छा व्यू है। देखिए देखिए फ्रेंड्स जगह जगह लोग मतलब बच्चों के लिए सामान बेचते हुए भैया।
भेलपुरी, इंडिया गेट की मशहूर भेलपुरी वाला। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों बहनें फोटोज लेते हुए, और हमें फ्रेंड्स उस तरफ जाना है इंडिया गेट के, तो हम इधर से अंडर पास के तरफ से जाएंगे क्योंकि सड़क का रूट बहुत ही बड़ा। तो हम जा रहे हैं अंडर पास की इंडिया गेट की तरफ, तो आप भी चलिए हमारे साथ, चलिए फ्रेंड्स। देखिए अब हमने आपको इंडिया गेट बिल्कुल पास से दिखाया, हम बिल्कुल पास आ चुके हैं। पहले दूर थे, हमें लगा था हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल पास आ चुके हैं। अब मैं आपको ये देखिए सामने फाउंटेन कलरफुल तिरंगा के रूप में, देखिए फ्रेंड्स इंडिया गेट बिल्कुल पास से। आप भी देखिए यहाँ का व्यू, आपको ब्लॉग में देखने को कल मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स देखिए हम इंडिया गेट घूम चुके हैं, और सच्ची में नेक्स्ट टाइम में आएंगे नहीं, बच्चे खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स चलना तो पड़ता है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं, शुरू से जब से हम आ रहे हैं ना कुंवारे बन से, यहाँ चलना पड़ता है। वो एंड में जाके ना इंडिया गेट को नमस्कार कर दिया कि अब इंडिया गेट नहीं आएंगे कभी भी। तो फ्रेंड्स ना आप लोग में देखिएगा आपको यहाँ का व्यू कैसा लगा, लेकिन है घूमने की बहुत अच्छी जगह है। इस मारे नहीं आना चाहिए कि छोटे बच्चों के साथ नहीं आना चाहिए, अगर बड़े बड़े बच्चे अपना अपनी घूम सकते हैं तो आ सकते हो, अदरवाइज मैं तो अलाउड नहीं करती, लेकिन फिर भी आ जाती हूँ नेक्स्ट टाइम, मन कर ही जाता आने का। फ्रेंड्स हम घर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें घूमना, और अगर थोड़ा सा आना है यहाँ पे घूमने के लिए बच्चों के साथ, थोड़े से अच्छे मौसम में आना, जैसे बारिश वगैरह वाले मौसम में, आज का भी मौसम अच्छा था लेकिन हमारा अंशू बहुत तंग करता है। फ्रेंड्स तो हम जा रहे हैं दीदी के घर, वहाँ से हमारा प्लान है स्वरूप नगर वापस जाने का, तो देखते हैं हम स्वरूप नगर जाते हैं नहीं। तो फ्रेंड्स हम इस ब्लॉग को यहीं पे एड करते हैं, अगर आज का ब्लॉग हमारा पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके अपडेट होती रहेगी मॉर्निंग में ही। तो फ्रेंड्स बाय, गुड नाइट, एक साथ बोलेंगे सब्सक्राइब, बोलो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स बाय।